आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये पूरी प्रोसेस के रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस ये यहाँ के लोग अपने फॉरेनर्स को अच्छी तरह ऐसी कितना आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो मेरा है मेरा तो सबसे पहले आप ये काम करते हो अप्रोक्सीमेटली आपका नहीं आरोप इन जनरल ये जो के सेक्टर में अगर कोई हाउस बिल्डिंग करता है उनको हाउस बिल्डिंग उनको कितना नीचा है स्टाइपन ये मुझे जो हेलो एवरीवन मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट रेडियस बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मुझे काफी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउस बिल्डिंग अगर कोई कर रहा है उसका इंटरव्यू लीजिए आज मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं आज हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि वो कहा हाउस बिल्डिंग करते हैं क्या करते हैं क्या सिखाया जाता है क्या सैलरी मिलती है और यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है प्लीज अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए हेलो गाइस मेरा नाम दाऊद है मैं कराची पाकिस्तान से आया हूँ मैं यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करूँ एज अ अगा फाकमान श्रेगा फाकमान कहते हैं एज अ नर्स गारे गारे सेक्टर, एडल सेक्टर मैं यहाँ पे हाउस कर रहा हूँ और अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ फर्स्ट ईयर मेरा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया अभी मैं सेकंड ईयर में जाने लगा अभी करेंटली मैं ओल्ड हाउस यानी आल्टन में काम कर रहा हूँ अभी मैं जाऊँगा क्रांखन हाउस में मुझे ये बताइए की जब आप हाउस विंडो करते हो ये दौरान क्या ड्यूटी फिक्स रहती है कि भाई मुझे से शुक्रवार ही काम करना है इतने घंटे ही काम करना है किस तरह का स्ट्रक्चर कैसे होता है मतलब पूरा टाइम क्या आप आल्टन में ही या या तो कानकन हाउस में ही रहते हो या तो फिर स्कूल में भी जाते हो तो वो किस तरह से मतलब होता है स्ट्रक्चर ये जो है ये बहुत ही एक एक तरीके से एक डिफरेंट चीज है यानी कि एक महीना एक मंथ मेरा पूरा होगा शून्य स्कूल हो और एक मंथ मेरा पूरा होगा आर आर्बर्ट आर्बर्ट या यानी जॉब का होगा अब जॉब का स्कूल का सही है मंडे टू फ्राइडे तो स्कूल है और स्कूल हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग से होती है कभी एट से टू कभी एट्थ से ट्वेल्थ कभी एट से एलेवेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है और सैटरडे संडे स्कूल में हमें यही मिलती है और जॉब का ये जॉब की मैं हमेशा कभी इवनिंग लगती है कभी मॉर्निंग लगती है नाइट अभी मैं जब थर्ड ईयर में जाऊँगा तो सब मेरी नाइट लगेगी अभी मैं अलाउड नहीं हूँ कि नाइट करूँ कभी तो मेरी मॉर्निंग लगती है और इवनिंग लगती है मॉर्निंग मेरी टाइमिंग है सिक्स टू टू पी एम सिक्स टू टू थर्टी और इवनिंग है मेरी टू टू नाइन थर्टी पी एम अच्छा तो ये बदलता रहता है और वही वो आपको पहले से बोल देते हैं कि भाई ये हफ्ते आपको ये मॉर्निंग करनी है ये हफ्ते आपको ये करना है कभी कभार ऐसा भी होता तो है मुझे जो है वॉकिन रिटीन करनी होती है यानी कि वीकेंड पे जो है आरबार्ट करना होता है सैटरडे संडे और उसके आपको चार्जेस भी नहीं

अच्छा आप आप भी भी कर लो, आप भी कर लो लो कोई एक्स्ट्रा अगर आपसे अगर, आप नहीं नहीं। अगर वो आप ये पास भी है, अगर आपको में भी काम करवाते हैं तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं और इसके बाद आपको अगर आप बीमार मेडिसिन लेनी है तो आप अपने डे आर डे का पे एक आपो थी की पे आप वहाँ भी जा सकते हो उसके अंदर ही आपो थी वहाँ से भी मेडिसिन ले सकते हो अपना कार्ड दिखाते मैं मैं यहाँ पे आरबर्ट करता हूँ तो मुझे इस मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपको रावण भी मिलता है और कभी कभार आपको फ्री में मिल जाए मतलब ये बोलते हैं कि आपका काम करने का एक्स्ट्रा मतलब फ़ायदा रहता है काम से एक्स्ट्रा फायदा

वो जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ में वहीं अच्छा मतलब बेसिक जो आपका गिवर है का जॉब है वो आल्टन हाइड है आपको बीच बीच में जो ये स्कूल में जाना पड़ता है तो स्कूल में क्या सिखाते हैं आप? स्कूल में ये सिखाते हैं कि स्कूल में मुझे कई सारी डिजीज के बारे में पढ़ाया जाता है डिजीज के बारे में मुझे पढ़ाया जाता है पूरी बोन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है कि इंजेक्शन कैसे लगाना है इंजेक्शन के स्टेप्स क्या हैं किस तरह के इंजेक्शन है कौन तरह की मेडिसिन कुछ मेडिसिन के बारे में भी हमें बताते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस लिए ग्रून फ्लेगा बताते हैं ग्रून फ्लेगा बेसिकली होता है कि इस तरीके से हमने किसको पेशेंट को, को वॉश करना है किस तरह की उसकी केयर करनी है उसे वॉमिटिंग आ रही है तो असल में हमारे पास आती है फालबा एसपी फालवा इस प्र हमारे पास केसेस आते हैं कि भाई किसी पर्सन को ये बीमारी है कोई डायबिटीज़ है उसके साथ ये सिचुएशन है तो हमें उसके साथ क्या करना है तो हमें उसके लिए सारा ऐसे प्रिपेयर करवाते हैं अभी मैं आल्ट एंड में तो आल्ट एंड तो के हिसाब से मेरे पास आती है फार्मे फिर मैं अभी जाऊंगा मी जाऊँगा क्रांकन तो क्रांकन के हिसाब से मुझे पूरा जनरल सिखाया जा रहा है आपको एज एफ नीगम एक्चुअली में काम क्या करना होता है डे टू डे

तभी तो मैं मेडिसिन भी दे सकता हूँ अच्छा और उसके बाद आयन क्रेमन करना होता है फिर तो उसके बाद शपित जो और यानी कि डियाबेटिक होते हैं जिन्हें होती है तो इंसुलिन का शपिक्सन करता हो अच्छा तो वो वो सभी आप खुद ऐना हो बोलता आप वो मेरी सिक्स मंथ के बाद पहले जो है मुझे जो है मेरे लेगा ले लेगा ले वो देखते हैं टीचर्स देखते हैं मैं काम कर सो सही बात है आपको सिखाते हैं हमको सब अनाउंस हो गया है स्लोली फिर मेरा पेपर होता है थोड़ा सा पेपर होता प्रोग प्रोग है प्रोबिन साइड क्वेश्चन यानी कि आपका प्रोबिनेशन वाला पीरियड जो होता है फिर वो होता है तो प्रोबिनेशन वाला पीरियड मैंने पास किया था तो, तो अब मैं अलाउ मैं अकेला भी जा सकता हूँ पेशेंट के पास पेशेंट को नहला दे सकता हूँ वॉश भी कर सकता हूँ उससे मेडिका भी दे सकता हूँ कोई उसको इंजेक्शन लगाना तो वो भी कर सकता हूँ कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये पूरी प्रोसेस के रिलेटेड uh, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक अच्छा काम है एक कि किसी की किसी को हम सर्व कर रहे हैं कोई ओल्ड पीपल है तो हम उसको सर्व कर रहे हैं एज है माँ बाप लेके चल रहे हैं उस टाइम एक बहुत ही अच्छा काम है हम सीखने को बहुत कुछ मिलता है और दूसरा आपकी जो डोइच है पीली जर्मन है वो आपके और इम्प्रूव होती है आप लोगों से अपने मिटा बैठे से कुलीग से और पेशेंट से बोलते हो तो आपकी डॉइच और इम्प्रूव होती है यानी कि आपके पास और चांसेस होते हैं डोइच इम्प्रूव करने के दूसरा ये होता है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत मज़े का है पहले जब मैं था तो मुझे सही से डोइ नहीं आती होती हाँ वो तो रहता है फिर इन लोगों ने मेरी मदद भी की पेशेंट्स से उन्होंने मुझे बोलना भी सिखाया ऐसे ऐसे करते करते मेरे एक पहचान भी बन गए कि अलीशा दादा पे काम करता है ये, वो तो फिर इवनिंग का ये है ये, ये मॉर्निंग का था सारा इवनिंग का ये होता है कि कभी कभार हम उनके साथ पेशेंट्स के साथ बाहर हम जाते हैं शिपात सीरन के मैं वॉक करने जाते हैं सम टाइम्स ये होता है कि हम हमने उसके साथ बैठना होता है थोड़ी बातचीत करनी होती है कुछ माइंड गेम्स होती है वो हम खेलते हैं बल्कि बहुत ही ना एक ईजी बहुत है यहाँ के जो तो लोग होते हैं वो अपने फॉरेनर्स को अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं कि चीज़ हम ऐसा कुछ आपने फेस किया है मतलब कोई चेत के थ्रू या ऐसा कुछ मैं ट्रोली कहूँगा ट्रोली सही है भाई आ, आप इधर जर्मन सीख के आए हो तो आपको आपको हर एक चीज़ हर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलेगी आप कहीं भी काम कर सकते हो लेकिन अगर आप इस साइड पे इस जर्मनी में फॉर एग्जांपल इस साइड पे जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं इंग्लिश में होगा तो आपके तो पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी लोग शायद आपके फ्रेंड्स भी कम बने हैं लोग आपसे बातचीत भी करना कम करें क्योंकि तो यहाँ पे इंग्लिश ये इतना वो नहीं है आपको जर्मन आती तो आपके बहुत बेनिफिट्स हैं बहुत होंगे शुरुआत में मैं जब आया था जर्मनी तो मुझे इंग्लिश ही आती थी फिर आके मैंने जर्मन सीखी यूट्यूब से फोसुक छूले गया वहाँ से सीखी उसके बाद इंग्लिश में मैं लोगों से बात करता था तो वो कहते थे आप जर्मनी में बात करने की कोशिश करो आपकी इंप्रूव होगी ये नहीं कि उन्होंने कहा नहीं आपको जाना चाहिए आपको इंग्लिश आती है कहते हैं आप जर्मन में बात करने की कोशिश करो आपको आएगी फिर भी कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया कुछ लोगों ने सिखाया और मतलब कि काफ़ी लोगों ने यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली भी हैं काफ़ी आप लोग की हेल्प करते हैं तो उन लोग की वजह से मैंने जर्मन सीखी यही बात है कि आप जिस देश में रह रहे हो उसकी लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो लोग आपको इतना वेलकम नहीं कर रहे अगर आप यहाँ की लैंग्वेज बोलते हो अगर उनको पता चलता है कि आप इंटीग्रेशन प्रोसेस कर रहे हो आप यहाँ की तो सोशल सिक्योरिटी में हेल्प कर रहे हो लोग आपको ओपन आर्म से यहाँ पे वेलकम करते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी डिमांड है प्रोफेशन के लिए शॉर्टेज की वजह से सब लोग काफी वेलकम करते हैं आप लोग को ये जो जर्मन जो पीपल होते हैं चाहे यंग हो चाहे वो तो ये आप लोग कॉल करके बुलाते हैं कि आओ हमारे पास टाइम है जर्मन प्रैक्टिस करते हैं अच्छा कई तो बार मेरे नेबर्स थे उनके साथ मैं बैठा मेरे जो मेटा बैठा को लीग थी वो हॉस्पिटल के साथ ही रहती जिनका करता तो मैं वहाँ भी जाता था लैंग्वेज सीखने अच्छा तो बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है काफ़ी हेल्पफुल है

तो यहाँ पे जो टैक्स कटता है काफी सारे लोगों को टैक्स से बहुत प्रॉब्लम होता है पर तो यहाँ पे जो टैक्स कटता है उससे बहुत फायदा मिलता है रेल में आपका इंश्योरेंस टैक्स में से ही निकलता है पांच सौ पचास इज गुड मनी शुरुआत के लिए

वो तकरीबन जो मेरा सिंगल का है वो अप्रोक्सीमेटली एटी टू हंड्रेड में पूरे मंथ में निकलता है आराम से निकलता इतना कुछ नहीं है और फिर अगर मुझे दिल किया मैंने के एफ सी खाने जाना है बाहर में डॉन्स खाने जाना है सिंगल पर्सन के लिए पी तो फिर वो बन जाता है चालीस पचास जीरो पचास पचास नौ महीने में सही और फिर कहीं एडवेंचर के लिए जाना है कहीं घूमने जाना है कहीं मेरे वैकेशन में मैंने कहीं किसी अलग कंट्री जाना है तो दो सौ या तीन सौ लग जाता है सही बात है सिंगल बंदेगा मतलब ये जो पैसे मिलते हैं उसमें सिंगल बंदा आराम से अपना आराम से अपनी ज़िंदगी कर सकता है और किसी की अगर जरूरत है किसी ने घर से पैसे भी खर्च घर पैसे भेजने इंडिया पैसे भेजने पाकिस्तान भेजने वो आराम से नहीं कर जा

वो, वो सैटरडे संडे चार घंटे चला गया पांच घंटे चला गया अरे चला गया, चला गया। चार पांच घंटे स्कूल का इतना काम होता है स्कूल का हमें असाइनमेंट्स बनानी होती है फिर नाम पे हमें जाना होता है तो इस टाइम में आप नहीं सोच पाओगे दौरान आप भाई के आपको पेमेंट भी अच्छी हो रही है सैलरी अच्छी आ रही है तो आप जाओगे नहीं

आग आग से आते हैं पर ये सब आपको स्कूल के दौरान दौरान पूरा सिखाया, सिखाया जाता है पूरा बताया मतलब आप पे आओ तो ये जानना जरूरी है कि ये कोई टाइम पास चीज नहीं है यहाँ पे आना है आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्लास में ध्यान भी देना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी आप एम्बिशियस होने चाहिए आप मोटिवेटेड होने चाहिए भाई आपको पढ़ना है ये करना है लेकिन अगर आप लोग को ये इतनी अच्छी पेमेंट कर रहे हैं आपको इतना अच्छा पे कर रहे हैं नाइन हंड्रेड एटीज य आफ्टर टैक्स तो एक बहुत अच्छी पेमेंट है सिंगल बंदे के लिए आप बहुत आराम से पे कुछ भी कर सकते हो आप लाइसेंस भी अपना कंप्लीट कर सकते हो सही गाड़ी भी ले सकते हो आप सिर्फ इन्हीं गेट में से सही अच्छा फोन भी ले सकते हो अच्छे घर पे आप रेंट भी कर सकते हो अपने आप को तो अगर आपको लोग इतना दे रहे हैं तो हमें भी कुछ करना है हमें बाइक पढ़ना है सही बात और वैसे भी हाउस बिल्डर के तो आपके पास बहुत पॉसिबिलिटीज है आप जर्मनी में गए पूरे यूरोप में आप कहीं भी काम कर सकते हो

जब हाउसिंग करने आते हैं फैमिली वाले क्या वो अपने स्पाउस और उन सबको भी ला सकते हैं अब मैं अपने मेरे पास एक कार्ड है वो मुझे दिया गया है तीन साल का तीन साल का वीजा है अब मैं इस कार्ड पे अपनी फैमिली को इन्वाइट कर सकता हूँ अपनी मम्मा को अपनी बहन बहन को इन्वाइट कर सकता हूँ अच्छा मैं नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके स्पाउस है ठीक है अच्छा अच्छा बच्चे हैं तो क्या उनको फैमिली के परमानेंटली आप अपने ऊपर ना सकते हो कि आफ्टर ये इसका मुझे एग्जैक्टली पता नहीं लेकिन आ, आफ्टर आ, आफ्टर, आ, आफ्टर तो डेफिनेटली लेकिन इस दौरान मुझे पता नहीं राइट राइट तो ये इन्फो जो है आपको जानने के लिए आपकी ग्रुप की एम्बेसी कर रहा है क्योंकि तो ये रूल भी बदलते रहते हैं कोई कई जगह पे फिक्स नहीं लिखा है कि आप ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो और आपके अपने वीजा सेंटर में आपको पूछना है कि क्या मैं आपके हमारे फैमिली को ला सकता हूँ कि नहीं हाउस बिल्डिंग वीजा पे इस तरह से ये पोता है थैंक यू वेरी मच मिस्टर दाउद आपने इतना टाइम निकाला हमारे दर्शकों ने इंटरव्यू दिया जरूर आपको भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट में लिखिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं अगर आपको भी हाउस बिल्डिंग करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट कीजिए then, have a nice day or a nice trip.